अपनी फेवरेट फिल्मों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए फिल्म कंपेनियन लोकल पर, बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप एक भी अपडेट मिस न करें। दिव्या, मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं, आई वांटेड टू रीच आउट टू यू अ मंथ अगो। अ मंथ अगो? ओके। तुम्हारे सोशल मीडिया को मैं फॉलो करती हूँ ऑब्वियसली, एंड देयर वाज एन अनाउंसमेंट दैट मेड मी सिट बैक। मुझे अब तक याद है, मैं स्क्रॉल कर रही थी और मैंने कहा व्हाट, एंड आई रिमेंबर सेइंग टू माई सेल्फ, यार मुझे अभी बात करनी है। एंड आई हैड टू स्टॉप माई सेल्फ, क्योंकि मैंने कहा इफ़ आई पुट माई सेल्फ इन ऑपोजिशन तो मुझे भी थोड़ा सा वक्त लगता। एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर टुडे, अ लिटिल लेटर, ओके, अ लिटिल आफ्टर। तो सबसे पहले, इट्स नेवर टू लेट, एंड आई थिंक कि वक्त बहुत कमाल की चीज़ होती है, बिकॉज वक्त हमें सबको थोड़ा सा वक्त देता है टू प्रोसेस, वन मंथ इन। हाउ आर यू टुडे मुझे पूछना है। आई वाज ऑलवेज गुड, रोहिणी। आई मेड श्योर कि मैं अपनी लाइफ में जो भी करूँ, आई मेक श्योर दैट आई एम फाइन फर्स्ट, ओनली देन आई कैन कीप द people around me happy. If I am not fine, I am pretending to be happy, if I am keeping, trying to keep everybody happy, there would be a saturation point mere life mein aayega ki bhai main pagal ho jaunga. So it was very simple for me. Whatever decisions I've taken, be it work, be it personal, be it professional, however, I think in every decision I've been very sure about things. I have analyzed, maine har situation ko analyze karke jo step liya hai, that needs a lot of strength, guts, whatever you call. So you said the word before me, and that is strength, right? ये जो तुम कर रही हो, which is like I need to decide, you know, एक clarity होती है, एक strength होता है, एक तो clarity और दूसरा strength to actually go through. बहुत सारे लोग नहीं कर पाते. कहाँ से लाती हो ये strength, जरा बता दो. Honestly, Rohini, it's literally I'm telling you, this is all my upbringing. I would just give it to my upbringing, because I was brought up in such a strict environment earlier, like right from my childhood to teenage. Yeah. जहाँ वो उम्र होती है फिसलने की, गिरने की, till then I was very strictly kept. And then the day my parents realized के ये अब सही गलत इसको पता है. Okay. रोहिणी वो दिन है और आज का दिन है, it did not stop me. From anything, whatever I do, be it my career changes, so many paths, so many options. Correct. कितना कुछ, इसलिए लास्ट में एक्टर बन गई कि भाई इसमें सब कुछ खेलने मिल जाएगा मुझे. Amazing. एक स्क्रिप्ट में पायलट बनना है, एक स्क्रिप्ट में डॉक्टर बनना है, एक स्क्रिप्ट में आरजे या जर्नलिस्ट बनना है. Why not? Why not? But journalist, I mean journalism तो की है. Yes. That was also one of the ways where मैंने सोचा कि यार पापा तो बहुत स्ट्रिक्ट है, फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं करने देंगे. मन तो बहुत था, कभी क्लियर बात नहीं हुई थी कि करना है, डर लगता था बस. तो मैंने यार जर्नलिज्म, कैमरा के सामने आ जाऊंगी, आई विल टेक इंटरव्यूज, आई विल स्पीक टू स्टार्स, आई विल बी एबल टू शो माय पर्सनालिटी अ बिट, बिकॉज यू नो एज यू आल्सो एज अ जर्नलिस्ट, एज एन आरजे, देयर इज सो मच ऑफ पर्सनालिटी यू शो टू अदर्स, यू नो, एंड दैट्स समथिंग यू लाइक, राइट? शेयरिंग योर पर्सनालिटी, शेयरिंग योर व्यूज, अरे मेरे को इतना काफी है. तो फैमिली से सीखा कि व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, 100% प्यार से क्या सीखा? प्यार से रोहिणी सीखा कि यू नो, व्हेन यू लव, व्हेन यू इन लव, देयर इज नथिंग दैट चेंजेस. यू नो, लोग ऐसे बोलते हैं कि शादी करने के बाद लाइफ चेंज हो जाती है, फिर वो शादी नहीं है ब्रो, वो शादी ही नहीं है फिर. करेक्ट. क्यों चेंज हो रही है लाइफ, ना मेरी ना सामने वाले की, किसी की लाइफ चेंज नहीं होनी चाहिए. It should go the way it should be. As an individual personality ho, main kisi ki bhi Mrs. banu, kuch bhi banu, I was born as Divya Agarwal, I made myself Divya Agarwal, that will continue. Correct. You know, it will not have these fabrications. Yes, respect in each other, that's going to be there, jitne responsibilities hai, that's going to be there. What else do you want? You don't want to compromise. I don't want to compromise, but there are sometimes deal breakers, right? Right. Divya, तुम्हारे लिए क्या deal breaker है या रहा है? मेरे लिए a deal breaker would be, I guess, taken for granted. That is the biggest deal breaker for me, and not just taken for granted, but also being questioned on something. मतलब क्या होता है ना, humans. Basically, I've literally studied. When I tell you, Rohini, I want to be an actor, I just don't want to be an actor who just wants to act. Yeah.
एन एक्टर फॉर मी इन माई आईज वो होता है जो बहुत इमोशनल होता है और हर बंदे के इमोशंस के साथ यू नो दे अंडरस्टैंड ह्यूमंस दे अंडरस्टैंड साइकोलॉजी देयर इज अ लॉट ऑफ साइंस बिहाइंड नोइंग द साइकोलॉजी ऑफ एनी पर्सन सो फॉर मी दैट इज द केस कि मुझे देखना है क्या है पर्सनालिटीज कैसे क्या है फॉर मी ऐसा नहीं ह्यूमंस आर डिजाइंड आई वाज सेइंग कि क्रिकेटर है 10 साल 15 साल उसने इंडिया के लिए बहुत बहुत बढ़िया खेला बहुत बढ़िया खेला वन डे ऐसा आता है वो आउट हो जाता है पहली बॉल पे उस चीज़ का जो बतंगड़ बनाया जाता है दैट डजंट जस्टिफाई जो बेचारे ने 10-15 साल किया ऑफ कोर्स सो वी एज ह्यूमंस आर डिजाइंड टू नोटिस द नेगेटिविटी फर्स्ट फिर बाद में यू नो जो बंदा है जो स्पॉट पे उसको समझाना पड़ता है कि देखो भाई मैंने ये किया मैंने इसके लिए किया उसके लिए शाबाशी कोई नहीं देता तुम कह रहे हो कि जस्टिफिकेशंस अगर देना हो रिलेशनशिप में देन इट्स नॉट वर्थ इट यार इट्स ये काउंटिंग आई डू यू डू कॉम्प्रोमाइज यू नो कन्फाइंडिंग योर सेल्फ इन सम प्लेस एंड देन रनिंग आउट ऑफ एनर्जी रनिंग आउट ऑफ केयर लव ये सारी चीज़ें बहुत एंड देन यू नो एक पॉइंट आता है जब मैं सोचते यार अगर ये सब कुछ ना हो तो मैं खुद के लिए मैं कर सकती हूँ ये सब करेक्ट ऑफ कोर्स मैं खुद के लिए कर सकती हूँ एंड देन ऑब्वियसली इट्स नॉट जस्ट मी एज अ पर्सन इट्स ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई हैव आफ्टर पापा लेफ्ट दैट मेड सच अ बिग वॉइड दैट यू नो आई नीड टाइम टू फिल अप अ लॉट ऑफ गैप्स इन माई हेड बट यू नो द थिंग अबाउट स्ट्रॉन्ग वुमेन राइट द थिंग अबाउट स्ट्रॉन्ग वुमेन इज दैट मैन फील के हम इनके साथ क्या ही कर सकते हैं और हाउ कैन आई कॉन्ट्रीब्यूट तुम्हें लगता है कैसे होता है इंटरमेरिड हो जाते हैं लड़के कभी कभी होते हैं आई मीन ऑनेस्टली बताऊँ तो इट्स नॉट जस्ट वुमेन और मैन यू नो एट टाइम्स यू हैव टू मेक डिसीजंस नॉट जस्ट फॉर योर सेल्फ फॉर सामने वाला ऑल्सो करेक्ट कि भाई यू नो इफ दिस इज हाउ इट्स सपोज टू बी एंड इट हैज टू कम थ्रू मी इन योर लाइफ मेरी मॉम ने हमेशा बोला है यू नो वक्त बुरा होता है इंसान बुरा नहीं होता एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दैट रोहिणी यू मस्ट हैव सीन मी इन सो मेनी रियलिटी शोज यू मस्ट हैव सीन मी फाइटिंग विद सो मेनी पीपल ऑन रियलिटी शोज बट व्हेन आई एम आउट इट्स फॉर मी फॉरगिवनेस इज सो इजी इट जस्ट कम्स लाइक दिस लाइक जस्ट लेट्स फॉरगेट लेट्स जस्ट लिव बट आई मस्ट टेल यू वन थिंग दैट आई हैव बीन मोस्ट इंप्रेस्ड Somebody who leads a very public life, right? मतलब जब से decide किया कि public life जीनी है, तुमने जी है। तो publicly क्या होता है? There's relationships, there's breakups, there's starts of relationships, there's going through them, then there's breakups. But एक चीज़ जो मैंने notice की है कि the boys are very nice thing to say afterwards. They're always very kind to you. Yeah. तो ये grace जो है वो तुम सिखाती हो क्या? I'm happy for this. Yeah. Not taking your side. Not saying कि हम तुम्हारे लिए खुश हैं. Saying कि हम उसके लिए खुश हैं. तुमने ऐसे comments देखे? सब देखा. सब देखती हूँ. मैं वही बोला ना तीसरा बंदर ये बचा ये. ठीक है? अब मैं बंद नहीं कर सकती. मैं देख रही हूँ. But the entire point is not to react. रोहिणी because. तो क्या है ये strength मुझे अभी जानना है. Because that's why I've come for this interview. I want to understand. How do you handle this? Do you meditate? Do you do yoga? Do you have, you know, friends and family who are supportive? कहाँ से आता है फिर? Meditate, yoga are some terms in my life which according to people is like sitting like this, closing your eyes, breathing, you know, be in the nature. कुछ नहीं है. अच्छा. कुछ नहीं है. You sleep. When you sleep, before you close your eyes, you see how your life is, where you've come from, where you want to be, what do you want to be. Because, Rohini, I have understood one thing in life with these reality shows, thank God, that no matter what you do, 50% people are going to like you, 50% people are going to hate you to the core. Yeah. Okay? Yeah. So you think, ke yaar, yeah, ye nahi kar sakte, yaar, people are going to screw my happiness, they are going to tell me so much. Then I, you know, main ban jaati hu, ki nahi, I want to impress people. तो वो करती फिर भी 50% पीपल आर नॉट हैप्पी
तो इससे अच्छा मैं वही करती ना जो मुझे करना था, जो मुझे पहले ही करना था। मैं वही करती जो मुझे करना था, क्योंकि दिस इज समथिंग आई एम गोना गेट खैरात में नो मैटर व्हाट। आई एम वर्किंग इनटू दिस इंडस्ट्री वेयर पीपल आर गोना जज, इवन इन लॉकअप्स एपिसोड, एंड एकता रिसेंटली पोस्टेड दैट स्टोरी वेयर शी आल्सो अग्रीज ऑन दिस दैट यार यू नो जब कैमरास नहीं होते रोहिणी, वी ऑल आर द सेम, वी ऑल हैव डन सेम मिस्टेक्स, सेम स्क्रू अप्स, सेम कन्फ्यूजन्स, सेम एटीट्यूड, बट यू नो व्हेन दे आर on the TV they expect you to be the world's best person. How, when you want to accept all my emotions, when I'm happy, when I'm cheerful, when I'm having fun, when I'm sexy, you like all that, right? Why not my anger? Why not my decisions? Why not something that is not right in your eyes? इमोशंस तो इमोशंस है ना यार, उसमें जेलेसी भी आती है, उसमें रोना धोना भी आता है, उसमें सैडनेस भी आती है, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ मी, एंड इफ यू लव मी एज अ पर्सन एक्सेप्ट माई फ्लॉज, एंड व्हेन आई एम हियर ओपनली टॉकिंग अबाउट इट, या व्हिच आई डोंट इवन कंसीडर फ्लॉज, मैं उसको फ्लॉज भी नहीं मानूंगी जो भी मैं कर रही हूँ, बट अगर मैं ओपनली उसके बारे में बात कर रही हूँ, व्हाई कांट यू डू दैट, एंड आई हेट इट व्हेन यू नो देयर आर गर्ल्स हु पुल यू डाउन, गर्ल्स, आई मीन I just look at them and I'm like, you know what? I don't know what are you going to do for your life. Correct. It's wrong the way you're leading. But I will tell you one thing. It is exhausting. It is exhausting to be Divya Agarwal sometimes. Yes. You know, I know you enjoy it and you do a great job. Yeah. But the way I have perceived you is this. I'm like, this girl. मतलब ये क्या खाती है यार, मुझे भी खाना है, बिकॉज मुझे इस लेवल की आलू पराठे, आलू पराठे, छोले भटूरे, पंजाबी टिपिकल खाना घर का है ना, बिकॉज दैट इज व्हाट वी नीड टू बी, टू एक्सेप्ट वन सेल्फ, ओके, नंबर वन, एंड टू ऑल्सो से यार ये तो मैं ही हूँ, अभी आपको चाहिए तो आप लीजिए, अगर नहीं चाहिए तो इट्स ओके, डजंट मैटर, बट दैट फैसिनेट्स मी. व्हाट इज ऑल्सो एक्साइटिंग इज द फैक्ट दैट थ्रू ऑल ऑफ दिस यू नो एक बहुत ही पब्लिक साइड है तुम्हारा, और तुम्हारी लाइफ हमेशा इंस्टाग्राम पे रही है. देयर इज आल्सो दिस साइड ऑफ यू यू नो ब्लॉसमिंग इनटू दिस एक्टर. मुझे बताओ ये जो जर्नी है, जो एक कहीं ना कहीं प्रोफेशनल जर्नी है, उसमें कितना मजा आ रहा है? उसमें रोहिणी, आई एम टेलिंग यू, आई स्टार्टेड 12 इयर्स बैक. इट्स बीन 12 इयर्स एंड आई वाज ड्रीमिंग अबाउट दिस डे एंड नाइट. आई वाज वर्किंग टुवर्ड्स इट डे एंड नाइट, एंड I'm so thankful to the struggles which never made me feel like struggle, because I'm naturally very positive, you know. मतलब अगर कोई चीज़ अगर ये नहीं हो रही है, हट यार ये करती हूँ, ये नहीं हो रहा है, हट ये मतलब आई के नॉट जस्ट, आई एम नॉट अ पर्सन, अगर वो काम नहीं बना मेरा तो मैं बैठ के यू नो आई एल थिंक अबाउट इट और वेस्ट मोर टाइम. आई एम लाइक यार जिंदगी इज सो फास्ट, मुंबई इज़ अ फास्ट फ्रिकिंग सिटी, एक दिन में एक ही काम हो पाता है, तुम आज एक ही इंटरव्यू देने आई, मैं आज खाली इंटरव्यूज किया, इट इज इम्पॉसिबल. सो इट इज़ वेरी फास्ट, योर लाइफ इज वेरी फास्ट, इट्स वेरी यू नो यू मेक डिसीजंस, यू मूव ऑन, यू शुड बी हैप्पी. वो करके भी अगर तुम हैप्पी नहीं हो तो फिर वही जिंदगी क्या खराब, क्या कर, बिल्कुल. तो एज एन एक्टर आई एम सो थैंकफुल टू ऑल द स्ट्रगल्स ऑफ माई लाइफ, बी इट एज अ बैकग्राउंड आर्टिस्ट, बी इट एज अ डांस कोरियोग्राफर, बी इट एज अ बॉडी डबल होस्ट, होस्ट, रियलिटी शो कंटेस्टेंट, मॉडल, पैजेंट विनर. I mean, there are so many things that I've done, and अब जाके you know right track पे लगाया button. You know, Shantanu Maheshwari से मैंने बात की recently, और he's also been you know around for a while, और उन्होंने भी similar कहीं ना कहीं और चीज़ें किए हैं, television, you know, as a dancer. और वो मुझे बता रहे थे कि कैसे जब actual acting होती है ना हम लोगों के लिए, तो उसमें सब लोगों का नज़रिया जो है बदलने लगता है. तुम्हें लगता है कि there's been some sort of a fight to prove that you are an actor? क्या लगता है तुम्हें, perception कैसी है? Fight सबकी है. Who is coming from a big name from the industry, उसकी अलग fight है. That I learned with Tanuj Virwani on Abhay set. Yeah. Yeah. Somebody coming from that background whose mother is so famous, whose mother has done movies, approximately 350 movies. Yeah. बिल्कुल. She's massive. Yeah. And then तनुज वहाँ पे यू नो एक्सेप्टिंग द फ्लॉज के यार फिल्म्स नहीं काम की मेरे लिए, वेब शोज काम कर रहे हैं,
उसका अलग स्ट्रगल है जी, मेरा अलग स्ट्रगल है, मेरा यहाँ पे तो मतलब मेरा तो पहले खुद से स्ट्रगल था, पहले घर पे, उसके बाद खुद से क्या करना है, देन इट वेंट ऑन टू यू नो गेटिंग देयर, गेटिंग इनटू दैट स्पॉट. बट आई डोंट इवन ब्लेम दीज पीपल, यू नो रोहिणी, व्हेन इट कम्स टू द कास्टिंग डायरेक्टर्स और द डायरेक्टर्स हु आर यू नो अगर चूज कर रहे हैं किसी को, कास्ट कर रहे हैं किसी को, तुम कैसे उनको ब्लेम करोगे यार. अगर मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, मुझे पता है प्रोडक्शन, मुझे पता है प्रोड्यूसर, मुझे पता है ये लोग करोड़ों रुपए लगा रहे हैं ये पिक्चर खड़ी करने के लिए. एंड इफ आई डोंट हैव दैट ट्रस्ट ऑन द एक्टर, भाई अगर नहीं कर पाएगा सेट पे, 200 लोग आए हुए हैं, 20 लाख का सेट है आज का, वो एक्टर कर नहीं पा रहा है, ओवर टाइम हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको लाइन्स नहीं हो रही, नर्वस हो गया, कन्फ्यूज हो गया. सो इट इज समथिंग दैट यू नो आई, दैट इज वॉट एम टेलिंग यू, वेन आई स्टडी ह्यूमैनिटी, oh my god, I think from every point, ये सबके लिए सोच रही है, मैं सबके लिए सोच, because yes, I how can I वैसे not दिव्य शक्ति no it's the truth है. But it has really helped in my life, Rohini, to understand, and that keeps me sane, honestly. The minute something happens perspective, in my life, perspective, the minute something happens, I see it from the other perspective again. उसने क्यों नहीं लिया मुझे, अच्छा maybe he is thinking that I won't be able to pull off. कोई बात नहीं, time आएगा, देखेगा. Everybody is here. I still remember there are people जिनके साथ मैं on set काम करती थी. For example, Karan Johar. Yeah. My first as a background artist was started in student of the year. 800 रुपए मिले थे मुझे, ठीक है. मैं गई थी उसके set पे, मैंने देखा ये बड़ा set. Oh my God, so many people. Oh my God, too much happening. And I was like starstruck. I was like, क्या life. And then I saw Alia. Then I saw Siddharth. I saw Varun. And I'm like, oh my God, yeah, these guys are going to be stars in no time. And I'm like, yeah, मस्त है यार. I saw Rishi Kapoor ji, yeah, सामने से. And I was like, यार, if this is what, and then cut to some years when I could see Karan Johar actually directing the entire set, ruling over the set like the boss. Cut to my big boss OTT entry. One second. Cut to that clip, जहाँ पर करण तुम्हें डांट रहे हैं. नहीं नहीं नहीं, वो clip नहीं है. तो मेरे साथ बिग बॉस क्यों खेल रही हो? मैं आपके साथ बिग बॉस नहीं खेल रही हूँ करण, जस्ट अंडरस्टैंड. या डोंट टेक दैट टोन विथ मी. नो नो नो, आई आस्क्ड यू, डोंट टेक दैट टोन विथ मी. आई आस्क्ड यू अ वेरी 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 पोलाइट क्वेश्चन. आई वुड रिमेम्बर दैट क्लिप वेर ईदर व्हेन आई एंटर्ड द शो और व्हेन आई टुक द ट्रॉफी. एंड दैट आई मीन दैट मेक्स मी फील लाइक यार कर तो लिया. ड्रीम्स डू कम ट्रू. कर तो लिया यार, जो भी किया. मुझे एक सपना बताओ ना. कौन एक सपना बताओ. लेट्स विजुलाइज समथिंग फॉर यू इफ इट हैपेंस. यू नो देयर इज अ क्लिप ऑफ आलिया टॉकिंग ऑन कॉफी विद करण. यस. जब वो कहती है कि मुझे रणबीर से शादी करनी. राइट. और कट्टू हो गई शादी. कट्टू हो गई शादी. तो ऐसे कुछ बोलो मेरे शो पे जो तुम्हें जो जो मैनिफेस्ट हो जाए, फिर हो जाएगा ये कॉफी विद करण. आई रियली वांट टू डू समथिंग इन हॉलीवुड. नो एनी समथिंग इन हॉलीवुड मतलब व्हेन आई सी ब्रिजिटन, when I saw the Indian family, the Indian culture going out there, I'm like, it's so stereotyped. मतलब आप अगर हॉलीवुड में जाके अभी के इंडियंस के कपड़े देखोगे ना, वो 90s के कपड़े पहनते हैं. I'm sorry, I'm a huge Diet Sabia fan. I have to just drop this. We are on that conversation with you guys. ये बातें हो रही हैं. ये बातें हो रही हैं. कि NRI के क्या कपड़े हैं यार? क्यों ऐसे कर रहे हैं? 90s के कपड़े पहन रहे हैं और बोल रहे हैं इंडियन कल्चर. नहीं यार, इंडियन कल्चर अभी काफी चेंज हो चुका है. काफी मतलब हां देखो, लुक एट हर, प्रीटी ओके. लाइक आई एम नॉट स्टाइल फॉर टुडे, बट हे, शी लुक्स प्रीटी फाइन. या आई मीन, नहीं, दिस इज मेरे स्टाइलिस्ट का दिमाग है, मेरा दिमाग नहीं चलता है इसमें. फैंटास्टिक. तो आई थिंक यू नो आई वांट टू गो देयर, आई वांट टू एक्सपीरियंस, आई वांट टू शेयर व्हाट इंडिया इज. कि भाई ये लेटेस्ट है मेरे स्टाइलिस्ट को लेके. ये लेटेस्ट है, ये कपड़े हम अभी ऐसे पहन रहे, तुम क्या दिखा रहे हो यार. तो आई वांट टू, आई रियली वांट, एंड आई हैव ट्राइड ऑडिशंस, आई विल कीप ट्राइंग ऑडिशंस, दैट्स समवेयर आई वांट टू बी देयर. कैसे होता है यार दिव्या, बिकॉज़ तुम्हारा बायोडाटा तो जाता होगा ना कि दिव्या अग्रवाल, मेरे प्रोफाइल्स ये हैं, मेरे इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, मैंने ये वाले शोज किए हैं. उसके बाद जब तुम जाती हो वो ऑडिशन के लिए, टेल मी ऑफ एन ऑडिशन दैट यू गॉन and you've learned something from, kuch aise hua hai recently? haan kafi hua hai, where you know audition tum de dete ho us waqt jo josh mein ki haan ye acha hai, ye acha hai, fir jab call nahi aata na, then you go back and look at the audition, itna khaas to nahi kiya to shayad isliye call nahi aaya, maybe something. yeah, you see that, you know, and you learn about yourself, and then like chal next time maybe. so when I get such auditions also, matlab itni weird इंडस्ट्री हमारी,
दे कॉल यू लाइक आते हैं कॉल्स काफ़ी आते हैं काम इज फ्लोइंग एंड टचवुड एवरीथिंग इज गुड एवरीथिंग इज गुड बट यू नो दे कॉल यू एंड लाइक हाँ एक बोल्ड सी ना मैडम आप करोगे एंड आई लाइक कौन बना रहा है स्क्रिप्ट क्या है खाली बोल्ड सीन करने के लिए है तो वो भी बताओ सेंसिबल लगेगा तो वो करूंगी सेंसिबल नहीं लगेगा तो नहीं करूंगी बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है उसमें एक किस है कर लूंगी स्क्रिप्ट की डिमांड कर लूंगी व्हाट इज दिस क्वेश्चन मांगना स्क्रिप्ट तो डू यू थिंक यू आर इन दैट पोजीशन राइट नाउ जहां पर तुम मांग सकती हो स्क्रिप्ट बिकॉज़ बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने डे 1 से मांगी है रोहिणी ओके मैंने डे 1 से मांगी आई डोंट बिलीव कि मैं एक पोजीशन पे आ जाऊंगी तब जाके मैं स्क्रिप्ट मांगूंगी नहीं एक एक्टर डिजर्व करता है अपनी जर्नी खुद डिसाइड करने का जब वो स्टार्ट कर रहा होता है तब भी वो खुद डिसाइड करता है कि भाई ये स्क्रिप्ट मैं कर पाऊंगा या नहीं या कर पाऊंगी या नहीं ये मेरे लायक है या नहीं ये मेरे लिए चैलेंजिंग है या नहीं यू नेवर नो लोग कास्टिंग वाले तो वो तुम्हें टाइप कास्ट कर देते हैं मेरे को रियलिटी शो में टाइप कास्ट कर दिया था कि भाई ये रियलिटी वाली है इससे तो होगा नहीं यू नो ऑनेस्टली अगेन अ स्ट्रॉन्ग वुमन केम इन द पिक्चर एकता कपूर गेव मी द चांस और आगे नहीं है MMS इतना बड़ा शो इतनी बड़ी फ्रेंचाइज सीधा उठा के दे दी एक लड़की को जिसका एक्टिंग का ए उसने कभी नहीं देखा आई मीन दैट नीड्स गट्स यार आई मीन दैट इज व्हाट यू नो आई टेक यू टेक रिस्क्स इन लाइफ एंड यू लर्न ऑन द जॉब यू लर्न ऑन द जॉब तो रागिनी लकीली वेंट वेल फॉर मी अभय ऑडिशन तो आई लर्न ओनली वन थिंग दैट भाई नेटवर्क जरूरी है I am being super blunt right now. Because क्या हुआ था ना रागिनी में there were many directors who had come for patchwork. तो Ken Ghosh had come for a small patchwork. And he saw my performance there. We got very pally, everything. When Kunal M. Shah approached me for Abhay, he said Ken Ghosh is a director. I did not say a word. I'm like, अच्छा okay, ठीक है. And then when he wanted an audition, and the audition came in, I was on the Zoom call. They were in a conference room. तो कैन गोश आ किसका ऑडिशन है हु इज देयर फॉर हरलीन सर वी हैव दिस इन्फ्लुएंसर एंड एक्टर दिव्या अग्रवाल अरे दिव्या ले ले उसको ले कर लेगी वो 100% कर लेगी तो दैट यू नो दैट कॉन्फिडेंस यू नीड सो यू नेवर नो कौन से प्रोजेक्ट पे तुम काम कर रहे हो पहला हो तुम्हारा आखिरी हो कुछ भी हो कहीं से कुछ भी आ सकता है सो नेवर से नो आई फाइंड दैट योर स्पिरिट इज अनक्रशेबल Like, and I hope that it stays that way. It stays. And I hope that people are always around because I want to know, and this is my last question, कि दिव्या अग्रवाल अपनी तो सुनती हैं, लेकिन जब अपनी आवाज़ उतनी नहीं आती, because you are in doubt, तो किससे पूछती हूँ? Honestly, I leave it to destiny. Seriously, I leave it to destiny. कई ये तो मतलब बहुत बड़ी बात तुमने बोल दी. कई बार होता है ना प्रोजेक्ट के 3-4 डेट्स आ जाते हैं और सारे प्रोजेक्ट्स मस्त लगते हैं करेक्ट और सब लगता है कि शिट यार ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो तभी आई एम लाइक आई टेल माय मैनेजर ईशा को बोलती हूँ ईशा जो पहले लॉक हुआ वो हुआ ओके लीव इट ऑन द डेस्टिनी जो लॉक हुआ वो हुआ आई डोंट वांट टू मेक चॉइसेस वेयर यू नो थिंग्स कैन गो रॉन्ग यू नो मेरा बिलीव ही इतना स्ट्रॉन्ग है ना रोहिणी कि जो भी होगा ना आई विल हैंडल इट जो भी होगा आई विल हैंडल इट सो दैट नेवर कम्स आउट ऑफ क्वेश्चन ओनली Amazing. That never comes. जो आएगा होएगा नहीं हो रहा है I just sit quiet, I analyze and I put all my energies to work. I love it because you know usually overthinking is your worst enemy. Yeah, yeah. And with you honestly I'm glad that you're not an overthinker. नहीं I'm not. Because इस energy के साथ overthinking नहीं जाएगी. नहीं जाएगी. हाँ नहीं. So just want to say I want to wish you luck. Thank you. I think we've had a great time chatting. I loved it. I wanted to know a little bit more about the person and I think I got to know a lot more about you and I absolutely love my chat. I hope you felt the same. I loved it and I was actually looking for it. I've been following your social media handles since a very long time. And you know, I used to see these stars, they are giving interviews, they are talking. So I used to feel like hey, yaar, kya maza aata hai, you know, to know the insights and today I'm at that position. So first was Karan Johar, next is Rohini. Oh please. So coming back to the She's so fun, man. She's so fun. But I really want to wish you luck. Thank and you so I much. Want Divya Agarwal, the actor, okay, to speak to me the next time again. Because yes, I yes. think that this is a journey that we're both invested yes, in. So all yes. the best. 100%. Thank you. हाय मेरा नाम है दिव्या अग्रवाल और मैंने अभी अभी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बातें की है रोहिणी से तो अगर आपको ये और बातें सुननी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फिल्म कंपेनियन लोकल थैंक यू आई लव इट शी सेड आवर चैनल सो अमेजिंग ऑलवेज लाइक दैट